नमस्कार दोस्तों, एक अत्यंत गंभीर विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए। चीनी सेना द्वारा हमले में देश के उच्च सैन्य अधिकारी सहित 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में भारी रोष भी है, गंभीर चिंता और व्यग्रता भी। पूरे देश को हमारे वीर सपूतों के शौर्य पर गर्व है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे भारत माँ की अस्मिता की रक्षा की है। भारत के साहसी सैनिकों पर हमें नाज है, जो आज भी सीना ताने दुश्मन के सामने खड़े हैं। चीनी सेना के इस दुस्साहस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मोदी सरकार ने मौन साध लिया है। देश को उम्मीद नहीं थी कि 40 दिनों की दिल्ली के हुक्मरानों की सरकारी चुप्पी का परिणाम इतना हृदय विदारक होगा। केंद्रीय भाजपा सरकार की खामियों और नाकामियों की वजह से हमारे सैनिकों की शहादत का यह दुखद दिन और वेदना भरा दिन देश को देखना पड़ा। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी व पूरा प्रतिपक्ष बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहे, आगाह करते रहे कि कुछ बताइए कि आखिर सीमा पर परिस्थितियां क्या हैं, चीन की सेना ने हमारी सरहदों में कहां तक कब्जा कर लिया है और हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। सेना के पूर्व अधिकारी भी मोदी सरकार को लगातार आगाह कर रहे थे कि स्थिति गंभीर है, वह सरकार को सावधान हो, कार्यवाही की आवश्यकता है। मगर लापरवाह और नाकाम सरकार अपने राजनीतिक जलसों, चुनावी लड़ाइयों, विपक्ष की सरकारें गिराने के षड्यंत्रों में व्यस्त रही और सीमा की सच्चाई देश से छिपाती रही। दुख से कहना पड़ता है कि केंद्रीय भाजपा सरकार की प्राथमिकता में देश नहीं, अपने दल की सत्ता मात्र है। मोदी सरकार में सूचनाओं पर पाबंदी है और सवालों पर पाबंदी है और सूचनाओं पर तालाबंदी है। आज देश से सब कुछ छिपाया जा रहा है, पर क्या मोदी सरकार के पास उन माओं के लिए कोई जवाब है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने लाडले बेटों की कुर्बानी दी है? क्या उन पत्नियों के लिए कोई जवाब है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपने सिंदूर को खोया है? क्या उन बच्चों के लिए कोई जवाब है जिनके सर से पिता का साया उठ गया है? सच्चाई यह है कि देश की हकूमत चेताए जाने के बावजूद आंखें मूंदे रही और गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के वाकये को होने दिया। चीन ने भारत की सरजमी पर कब्जा कर लिया, उसकी रक्षा करते हुए हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, पर दिल्ली में बैठी मोदी सरकार तथा प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री ने चुप्पी साधे रखने के अलावा और क्या किया? हमारे शहीदों में शहादत की को सलाम करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम फिर दोहराते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा व देश की भूभागीय अखंडता के हर मुद्दे पर देश के 130 करोड़ नागरिक सरकार के साथ हैं और खड़े हैं, पर मोदी सरकार को देश को विश्वास में लेना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बात बात पर ट्वीट करते हैं, आज देश के सामने आकर मोदी जी को सच्चाई बतानी होगी कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया, हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हुई, मौके पर आज की स्थिति मोदी जी क्या है, क्या हमारे सैन्य अधिकारी और सैनिक आज भी लापता हैं, हमारे कितने सैन्य अधिकारी व सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं और जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, चीन ने हमारे कितने हिस्से पर
और कहां कहां कब्जा किया है, इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार की नीति और रास्ता क्या है, आगे बढ़कर इन सवालों का जवाब मोदी जी को देना होगा। जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरा देश एकजुट है, देश वे सीमाओं की रक्षा को लेकर और सरकार के साथ खड़ा है, पर अब जिम्मेवारी, अब कसौटी, अब इम्तिहान श्री नरेंद्र मोदी जी व मोदी सरकार का है कि वो देश और देशवासियों को विश्वास में ले। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट